हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अवि। तो भाई, आज की जो वीडियो है इसके बारे में हमारे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं कि हम क्या बताएं आपको। हर मैसेज में हर लोग हमसे यही बोलते हैं कि अपना हाउस टूर दो। हमने इससे पहले काफ़ी सारे हाउस टूर वीडियो बनाई है, 2-3, लेकिन वो हमारा घर नहीं था, वो एक शो होम था। अपना घर दिखाने की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो आज वैसे भी दिवाली का मौका है, सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड हमने सोचा इससे अच्छा दिन कौन सा होगा, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हाँ, होम टूर देने का, क्योंकि घर एकदम साफ है, डेकोरेशन हुई पड़ी है। तो हमने सोचा चलो आज हाउस टूर की वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारा पूरा घर। और हम लोग रहते हैं लेमिंगटन स्पा में, अगर आपको आइडिया हो, वेस्ट मिडलैंड में एक जगह है लेमिंगटन स्पा, वहां पे हम रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने हाउस टूर से। करें स्टार्ट? नहीं, उससे पहले मेरी ड्रेस दिखा दो। ड्रेस देख लो भाई, आज दिवाली के मौके पे हम रेडी हुए हैं। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो हमने सोचा चलो अब वीडियो शूट कर लेते हैं इससे पहले। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे एस्टेट जो है वो कैसी लगती है। और ये हमारे घर का फ्रंट है, ये एंड ऑफ टेरेस हाउस है। और साइड में इन्होंने एक डोर दिया हुआ है जो कि गार्डन में जाने का डोर है, पीछे बैकयार्ड में। और हमें दो पार्किंग की यहाँ पर जगह दी हुई है, दो गाड़ियों की पार्किंग की। हमारी एक गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई पड़ी है और एक, अभी आपको पता ही है, मनमीत और आदि भी यहाँ पे रहते हैं तो वो लेके गए हुए हैं एक गाड़ी। और ये हमारा ड्राइववे है और यहाँ से भाई हमारी एंट्रेंस है। तो स्टार्ट करते हैं फिर एंट्रेंस से और अभी आपको दिखाती है कि अंदर हमारा घर कैसे लगता है। तो अब हम चल रहे हैं अंदर और फाइनली दिस इज द मोमेंट, हम आपको दिखाने वाले कि हमारा घर अंदर से कैसा लगता है। बट पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये हैप्पी दिवाली कितना क्यूट लग रहा है यार, इंडिया वाली फील आ रही है, फेस्टिवल का भी मज़ा आना शुरू हो गया है। तो अब देर ना करते हुए अब अंदर चलते हैं। सो वेलकम गाइस। तो अंदर आते ही हमने एक शू रैक रखा हुआ है जिसमें हम अपने जो डेली वेयर के शूज़ होते हैं वो रख देते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे पूरा हमारे घर में कारपेट है, सो कारपेट पे शूज़ नहीं लेके जा सकते। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे एक छोटा सा शू रैक रखेंगे। एंड दिस इज़ रियली क्यूट। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज लिटल प्लैक्स। तो आपको घर में हर जगह ये छोटे छोटे प्लैक्स दिखेंगे। तो वन ऑफ आवर प्लैक्स इज दिस, आवर फैमिली इज मेड अप ऑफ मैनी हार्ट्स। तो अंदर आते ही हमने ये एक और छोटा सा स्पेस बनाया है जहाँ पे एक ये बहुत ही प्रिटी सा मिरर लगाया है और इसके पीछे जो है वो हीटिंग है। तो हीटिंग को कवर करने का हमारा मन था, तो हमने कहा इसको हीटिंग को कवर ही कर रहे हैं तो उसको ब्यूटिफाई कर देते हैं। सो अगेन लाइक यू कैन सी देयर इज अनदर प्लैक अबाउट होम। And today is a perfect day to start living your dreams. हम अपने घर में हर जगह ये motivational हमने flags लगा रखे हैं ताकि हम देखते देखते motivate हो सके। तो यहाँ से entrance है और enter करते ही यहाँ पे एक हमारा downstairs toilet है। तो जो भी guests आते हैं तो वो लोग ये use कर सकते हैं, ये वाला bathroom। और यहाँ पर भी एक flag लगा हुआ है जो कि rules for a better life है। Rules for a better life. तो इसके बाद आती है हमारी किचन, और किचन का हमने डिटेल्ड एक वीडियो की हुई है अपने चैनल पे जिसमें मैंने हर एक चीज किचन की दिखाई हुई है और कि कहाँ से हमने खरीदा है सामान। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो। बट चिंता मत करो, हम आपको अभी भी दिखाएंगे कि हमारी किचन कैसी लगती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस साइड पे हमारे किचन में हमने यहाँ पे माइक्रोवेव रखा हुआ है, एक ये विंडो है। एंड आई लव ग्रीनरी, आई लव प्लांट्स। तो हमने यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं बहुत ही प्रीटी प्रीटी, उससे ना बहुत वो हो जाता है ब्यूटीफाई। हाँ वही वही ब्यूटीफाई हो जाता है और बहुत ही प्रीटी लगता है। दिस इज द डिश वॉशर। और यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि वॉशिंग मशीन भी किचन के अंदर ही होती है। जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना, बड़ा वियर्ड लगता था यार, वॉशिंग मशीन भी किचन के अंदर है। ये हमारा इंडक्शन गैस है, बहुत दिक्कत देता है यार, इंडियन खाना बनाना मुश्किल कर देता है इंडक्शन। अगर आप लोगों के साथ भी ये होता है तो प्लीज मुझे बताना। इसी के साथ यहाँ पे ये अवन है, ये हमारा इंटीग्रेटेड फ्रिज है, और ऊपर फ्रिज है यहाँ पे और नीचे फ्रीजर है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ये पूरे घर को चलाता है वो है ये बॉयलर।
सो बॉयलर, जो पानी जो हमें यहाँ पे गर्म मिलता है वो बॉयलर यहाँ पे लगा हुआ है किचन के अंदर, और नीचे जगह थी और हम इंडियंस हैं तो हमने उस जगह को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे सारे जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इस साइड पे ये डाइनिंग एरिया है और फ्रेश फ्लावर्स लगाए हैं, आज दिवाली का मौका है। उसके साथ ही यहाँ पे हमने भी मंदिर का सेटअप किया है फॉर द पूजा। वैसे हमारा जो मंदिर है वो ऊपर छोटे वाले रूम में होता है, लेकिन आज दिवाली है और बहुत सारे लोग होंगे पूजा में, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे मंदिर सेटअप करते हैं। और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को ये डेकोरेशन देख के, और बस मन कर रहा है कि यार पूजा का टाइम कब आएगा। तो आप भी हमें बताना आपको ये छोटा सा मंदिर का डेकोरेशन हमारा कैसा लगा। ये जो कैबिनेट है ये घर के साथ बनी हुई नहीं आई थी, हमने एक्स्ट्रा कैबिनेट बनवाई, हमारे पास स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसमें यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कॉफी स्टेशन स्टेशन है, जिसको हमने मंदिर में अभी फिलहाल कन्वर्ट किया हुआ है। ये कॉफी मशीन यहाँ पे रखी हुई है और कॉफी के थोड़े थोड़े फ्लैग्स हमने लगाए हुए थे। अभी ये काफी डिफरेंट लग रहा है, आप हमारी किचन वाली वीडियो में जाके देखना कि वो एक्चुअल में कैसा लगता है हमारा कॉफी स्टेशन। यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस, क्रॉकरी सेट, डिनर सेट, कप्स और ये सब चीजें जो पैक करके मुझे बेड में रखनी पड़ती थी उसके लिए मैंने ये पूरी कैबिनेट बनवाई ये तो थी। बताया नहीं आपने मेन चीज। मेन चीज ये ड्रिंक्स है आज की दिवाली पार्टी के लिए। तो ये थी हमारी किचन। तो किचन के बाद मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ हमारे घर के आगे की क्या है सिस्टम। तो ये जो है ये थोड़ा हॉलवे है, और हॉलवे में यहाँ पर हीटिंग का सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से हीटिंग अपना सेट कर सकते हो आप, घर के अंदर सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वाली वॉल पे थोड़ी अपने घर की फोटोज वगैरह लगा रखी है, तो आप देख सकते हो ये हमारी रिसेप्शन रिसेप्शन वाली ये फोटो है, ये शादी वाली है और ये सगन वाली है। भूल तो नहीं तो भूलना नहीं है, सही बताना है वरना बाद में पिटाई होगी। तो ये मनमीत है, ये आदि है, और यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की फोटो है, ये अभी के मम्मी पापा है, ये मेरे मम्मी पापा है। तो इसी के बाद अंडर स्टेयर यहाँ पे स्टोरेज दी हुई है थोड़ी सी स्टेयर्स के नीचे, जहाँ पर हम अपने एक्स्ट्रा शूज और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है या फिर जैकेट कोट्स होते हैं, हम कोट्स वगैरह सामने नहीं टांगते क्योंकि थोड़ा मैसी सा लगता है एंट्रेंस पे ही बिल्कुल। तो हमने वो सारी चीजें अंदर डाल रखी है, आपको अंदर से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा मैसी हुआ पड़े फिलहाल। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। यहाँ पे हमने कोट्स वगैरह टांग रखे हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर है, ये शूज हैं इसके अंदर, और ये स्टोरेज पूरी दी हुई है। तो अब आपको दिखाते हैं कि हमारा लिविंग रूम कैसा लगता है। यहाँ पे हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे हमारा टीवी भी है, और ये जो है वो सोफा है जो कि बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है। यूके में यार स्पेस की तो बहुत प्रॉब्लम है, हम ये बहुत बार बोल चुके हैं। तो जब भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो हमें एक स्पेयर बेड चाहिए, तो ये बेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक कॉफी टेबल है और ये एक छोटी सी सिटिंग भी हमने बनाई हुई है विच इज रियली क्यूट। और अभी तक तो यार आपने गेस कर ही लिया होगा कि मेरे को बुद्धास बहुत पसंद है, हमने एक एंट्रेंस पे भी लगाया हुआ है, और ये वो पहली चीज थी जो मैंने अपने घर के लिए खरीदी थी। सो वी हैव अ बुद्धा हियर प्लांट, वो ब्राइटन अप कर देता है रूम को। तो ये एक विंडो है जिसको हमने डेकोरेट किया हुआ है। तो हमारे लिविंग रूम की हमने थीम रखी हुई है ग्रीन एंड येलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कुशंस लगाए हैं, ग्रीन चेयर है, एंड आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ येलो, और येलो रग में भी येलो है, तो उस हिसाब से हमने थीम क्रिएट की हुई है। तो ये जो डोर है वो गार्डन की तरफ खुलता है, अभी हम आपको गार्डन भी दिखाएंगे हमारा गार्डन कैसा लगता है। तो दिवाली है इसलिए हमने इसको भी डेकोरेट कर दिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे लिविंग रूम की थीम है ग्रीन, तो प्लांट्स के बिना कैसे ग्रीन पूरा होगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये टीवी यूनिट है जहाँ पे ये टीवी रखा हुआ है और छोटे छोटे डेकोरेशन के आइटम्स रखे हुए हैं। तो ये गार्डन है जो कि सर्दियों में तो भाई बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं होता, यहाँ पर बहुत ही ठंड हो जाती है, और ये थोड़ी हमने बैठने की जगह बना रखी है। इसके साथ ही यहाँ पर है हमारा बारबेक्यू, और ये है बाहर से एंटर करने की जगह, अगर बाहर वाला डोर आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में। तो ये है छोटा सा प्यारा सा हमारा गार्डन। समर में ये गार्डन इतना ज़्यादा सुंदर लगता है और इतना ज़्यादा यूज़ भी होता है,
लेकिन ठंड में यार खड़े रहने में इतनी ठंड लगती है, हमें बैठने का यार मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पे। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये शेड है, शेड के अंदर जितना भी गार्डन का सामान होता है, टूल्स वगैरह होते हैं वो सब आता है, घास काटने की जो मशीन होती है, मोवर वगैरह। और प्लांट्स भी अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, वैसे कलर दिख रहे हैं, इतने सुंदर फ्लावर्स निकले हैं, खराब नहीं हुए भी फ्लावर्स, मतलब वो एक आध है हाँ वो निकला हुआ है, और बाकी के तो अभी ठंड हो गई है तो सारे खराब होने वाले हैं। We got this really nice Asakuki projector. Asakuki ने हमें दिवाली और हेलोइन पे ये गिफ्ट किया है, तो मैं अभी इसके अनबॉक्सिंग करता हूँ, थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ इसके क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सो दिस Asakuki projector has everything you need, from 1080p and 4K video quality to dual 5 watt stereo speaker makes it a brilliant choice to enjoy movies on big screen. It has got 5G Wi-Fi, so low latency, faster and more stable data transmission speed. You can check this out on Amazon. Link is in the description box. तो अब हम चलते हैं ऊपर। तो यूके के घर मोस्टली ऐसे ही बने होते हैं, नीचे किचन और लिविंग रूम होता है और बेडरूम्स जो होते हैं वो सारे ऊपर होते हैं। तो हमारे जितने भी बेडरूम्स हैं वो सारे ऊपर हैं, तो आपको दिखाते हैं कि सारे बेडरूम्स कैसे लगते हैं। बट उससे पहले हमने यहाँ पे गणेश जी की इतनी सुंदर फोटो लगाई हुई है जो कि इंडिया में हमारी फैक्ट्री में बनी हुई है खुद। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली स्पेशल फॉर मी। तो हमारा जो ये घर है वो 3-bed हाउस है, जिसमें दो जो रूम्स है वो डबल रूम्स है और एक जो रूम है वो एक बॉक्स रूम है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मास्टर बेडरूम एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम, मेरा और गौरव का रूम है ये, और यहाँ पे हमने बहुत ही प्रिटी सी हम दोनों की फोटो लगाई है। और ये विंडो, अगेन मुझे विंडोज डेकोरेट करने का इतना ज्यादा शौक है, और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है। वैसे मैं व्यू दिखाता हूँ पहले। हाँ, व्यू बहुत ही अच्छा आता है, सुबह उठ के सीधा विंडो से बाहर देखो और इतना प्रिटी व्यू दिखता है। और यहाँ पे ये लैंप लगाया है हमने साइड में जो कि अभी जल नहीं रहा हमें ना पूरी ब्राइट लाइट रूम में पसंद नहीं है, तो हम हमेशा लैंप लाइट जला के रखते हैं। एंड दिस इज माई वार्डरोब, मैं खोल के बिल्कुल नहीं दिखाने वाली तो ये वार्डरोब जो है वो मेरी है, और इसके पीछे एक और वार्डरोब है जो कि गौरव की वार्डरोब है, जो कि मेरी पहले वार्डरोब थी बॉक्स रूम में, लेकिन वो अब आदित्य ने ले ली है हाँ तो अब ये वाली जो वार्डरोब है वो गौरव की होगी, और मेरी एक वार्डरोब छिन चुकी है मुझसे इसके अंदर। वैसे मैंने बड़ी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग सेट कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है बेसिकली एक वार्डरोब जहाँ पर मैंने अपने सामान रख रखा है थोड़ा नीचे। तो वैसे तो गौरव की वार्डरोब कितनी अच्छी लग रही है, और मैं अपनी वार्डरोब नहीं खोल के दिखाने वाली और यहाँ पे हमारा ऑन स्वीट है, सो रूम के साथ ही बाथरूम है। तो यहाँ पर ऑन स्वीट वगैरह देते हैं ये मास्टर बेडरूम के साथ में, तो होना भी चाहिए। और ये है हमारा ऑन स्वीट जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल चकाचक एकदम साफ किया हुआ मैंने। ये बिल्कुल सच बात है, जो बाथरूम्स है वो गौरव ही साफ करता है, मेरे से बिल्कुल साफ नहीं होते। और बट मैं किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और गौरव बाकी सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किचन में भी बर्तनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है खाना बनाने की, मतलब साफ साफ बर्तनों में खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वो गंदे बर्तनों को धो के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, हम मिल बांट के सारा काम करते हैं तो ये था मास्टर बेडरूम, उसके बाद में ये बॉक्स रूम है जो कि ऑफिस की तरह सेट किया हुआ था पहले, लेकिन अब आदि आ गया तो आदि का रूम हमने यहाँ पे सेट कर दिया, एक बेड लगा दिया है, यहाँ पे टेबल लगा दिया, आप देख सकते हो छोटे से रूम को हमने थोड़ा सेट ऐसे किया हुआ है कि भाई थोड़ा खुला लगे बड़ा लगे, और आदि यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाता है। वैसे वो 6 फुट का है लेकिन ये 6 फुट का है ये पूरा। तो यहाँ पर ये चेयर टेबल लगा रखी है, एक वार्डरोब है यहाँ पर जो कि आदि अब यूज करता है, जो पहले मेरी वार्डरोब थी। और इसी के साथ यहाँ पर जो विंडो का जो व्यू है बाहर की तरफ वो सेम है जैसे मास्टर बेडरूम है साइड में, वो व्यू है, तो यहाँ से काफी अच्छा लगता है सुबह सुबह, और जब यहाँ पे स्नो पड़ जाती है तो पूरा व्हाइट हो जाता है, तो वो भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो रूम्स हैं हमारे, यहाँ पर एक एयरर कबर्ड है जिसमें आप सारे सामान रख सकते हो, जैसे कि बेडशीट वगैरह हो गई, टॉवल वगैरह हो गए, तो ये हमने इस तरह से सेट कर रखी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ी स्पेस दी होती है, ये लगा रखे इन्होंने वुडन बेस जिसपे सामान रख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जगह है, जब हमने घर लिया था ये, और यहाँ पर हम आए थे
इसी जगह पर हम खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि यार ये वाला घर मतलब हो जाए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है घर के। मुझे भी याद है हम दोनों इसी जगह पे यहाँ हाँ। पे खड़े हुए थे और हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि यार ये वाला घर जो है बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पास हो जाए और हमें जो मॉर्गेज वगैरह मिल जाए और घर ये हमारा हो जाए। तो बहुत से हमारे लोग पूछते हैं कि आप रेंट पे रहते हो या फिर आपका अपना घर है, तो ये हमारा अपना घर है। हम लोग रेंट पे रहते थे स्टार्टिंग में, हम एक साल आई थिंक रेंट पे रहे हैं यूके में, जब मैं यूके आया था उसके बाद हमने ये वाला घर ले लिया था। तो ये हमारी मतलब उस टाइम की यादें जो है वो जुड़ी हुई है, हर कॉर्नर में यहाँ पे कुछ ना कुछ यादें हैं। ये वाला रूम देखने आए थे, हम देख रहे थे बाहर का व्यू कैसा है और ये पूरा खाली था। ये बेड जितना भी स्टोरेज आप यहाँ पे देख रहे हो वो हमने खुद असेंबल किया है अपने आप, क्योंकि वो जब एक्साइटमेंट होती है ना नए नए घर की कि हर चीज भाई फ्लैट पैक में आती है यहाँ पर और आपको खुद असेंबल करना पड़ता है। इंडिया में भी आजकल आईकिया खुल गया, आईकिया से अगर आप सामान लेते हो, मुंबई में है, हैदराबाद में आई थिंक, तो वहां से आप सामान लेते हो तो सारा फ्लैट पैक में आता है और आपको खुद असेंबल करना होता है। और हम हर वीकेंड लगा के हर एक रूम हमने सेट किया अपने हाथों से, अपने हाथों से। तो हमें हर चीज, अब हर इंडिया में होता था ना आपको पता नहीं होता था मम्मी ने कौन सी चीज कहाँ पे रख दी, यहाँ पर हर एक चीज का पता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है अभी पूछ लो। तो इसके बाद चलते हैं भाई दूसरे रूम में। तो ये वाला जो रूम है ये भी एक डबल बेडरूम है, यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है और यहाँ पे जो रूम के साइज होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, मतलब पुराने जो घर होते हैं यहाँ पर, पुराने बने हुए घर हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन ये वाला न्यू बिल्ट हाउस है 3 बेडरूम, सो ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगता, थोड़ा मतलब रूम का साइज थोड़ा छोटा होता है। और ये रूम मनमीत का है, ये मनमीत का रूम है। यहाँ से भी एक विंडो है जो कि बाहर जो हमारी ड्राइववे है उसका व्यू आता है यहाँ पर, और काफी अच्छा व्यू है यहाँ पर भी सुबह सुबह जब सनराइज होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो यहाँ से सनराइज हमेशा यहाँ से होता है और जो हमारा बैकयार्ड है वहां पे सनसेट होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो गेस्ट बेडरूम है, एक तरीके से गेस्ट बेडरूम है हमारा जो सेकंड बेडरूम था, इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ये मेन बाथरूम है और मेन बाथरूम में हमेशा यहाँ पे बाथ टब होता है, तो आप आराम से मस्त यहाँ पे बाथ ले सकते हो और वैसे शावर भी लगा हुआ है, आप यहाँ पे शावर भी ले सकते हो। इसी के साथ नॉर्मल टॉयलेट और यहाँ पर ये एक विंडो मतलब एक कैबिनेट दे रखी है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो। दे नहीं रखा कुछ भी यहाँ पे, हमने सब कुछ लगाया है, आई डोंट नो मैं मुंह से दे रखा है क्या लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज हमने जो है ये खुद अच्छे से डिजाइन करी है, ये चीजें लगाई है, ये चीजें लगी हुई थी ऑलरेडी, तो अपने हिसाब से जैसे भी डेकोरेट हमने किया है मोस्ट प्रोबेबली मतलब हमें लगता है कि हमने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। आप हमें बताना कि भाई हमने कैसे डेकोरेट किया अपना घर, और सफाई करने के बाद हमें बहुत सुंदर लगता है, और जब सफाई नहीं होती क्योंकि अब 4 बंदे रहते हैं यहाँ पर, हम दोनों तो है ही, मनमीत और आदि भी यहाँ पर रहता है, तो अब थोड़ा थोड़ा मैसी हो जाता है कहीं कहीं बार। तो यहाँ के घरों में ये एक लॉफ्ट भी दी हुई होती है जो कि आपको नॉर्मली कन्वर्ट करवानी होती है अगर आपको कोई भी सामान ऊपर रखना है, फ्लोर बोर्डिंग करवानी पड़ती है क्योंकि अभी हमने कुछ भी ऊपर नहीं करवा रखा काम, तो यहाँ पे इतनी मोटी मोटी इंसुलेशन है जिससे ये घर जो है वो हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ के जो आउटर वॉल्स हैं वो हमेशा ब्रिक की वॉल्स हैं और उसके अंदर भी इंसुलेशन है, नीचे फ्लोरिंग में इंसुलेशन है और जो मेन जो ये बीच की वॉल होती है ये सिर्फ प्लास्टर बोर्ड वाली वॉल्स होती है, यहाँ पर कोई भी ब्रिक की वॉल नहीं है बीच की। पुराने घर जो होते हैं वो अच्छे से सॉलिड तरीके से बने होते हैं, उसमें हो सकता है ब्रिक की वॉल हो, बट नए वाले घरों में कहीं पर भी ब्रिक की वॉल नहीं होती बीच में और ये आउटर वॉल्स ही होती है। तो ये जो लॉफ्ट है इसके ऊपर आप सामान रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो घर है आपने देखा होगा ट्रायंगल होते हैं, तो ये जो ऊपर सीलिंग है ये ऐसे मान लो ट्रायंगल मान लो, तो इसके ऊपर वाला पार्ट है ये, तो उसके ऊपर सेंटर में हो सकता है आप वहां पे करवा सकते हो थोड़ी बहुत, जितने भी आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए वो कन्वर्ट करवाना पड़ता है। इसके साथ लैडर लग जाती है यहाँ पे, तो आप जैसे ही खोलोगे तो लैडर जो है वो नीचे आ जाएगी और आप अपना ऊपर जा सकते हो, तो ये भी एक सिस्टम होता है यहाँ पर इस घरों में। तो कितने सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए कि अपना घर दिखाओ, कमेंट्स आए हमारे पास यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी,
तो ये था हमारा फुल होम टूर एंड वी होप आपको ये अच्छा लगा होगा. और क्या क्या अच्छा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि इस रूम में ये चीज अच्छी थी. और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप बता सकते हो. और सजेशंस भी बताना. फीडबैक हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं. कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे 3 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए. और जो भी यहाँ पर परमानेंट बेसिस पे रहने के लिए आ रहे हैं तो वो ट्राई करो कि आप यहाँ पे अगर अपना घर ले पाओ, क्योंकि इट्स गुड कि आप अपने घर की मॉर्गेज पे करो रादर देन पेइंग द रेंट. तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी. और पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस. आपकी रिक्वेस्ट पे करना. आपकी रिक्वेस्ट पे हमने अपना फुल होम टूर आज दिया है. और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. हैप्पी दिवाली टू यू. हैप्पी दिवाली एवरीवन.